हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ श्वेता और आप सबका स्वागत है मेरी श्वेता क्रिएशंस पे। और आज है June 1 और आज का व्लॉग मैं सुबह से मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। तो आप सब देखिए, मैं नहा धोकर आ चुकी हूँ, मैंने बाल भी साफ कर लिए हैं। मैं ऐसा होता है तो मैंने आज हेयर वॉश उस दिन के लिए तो नहीं किया, बाल बहुत गंदे हो गए थे इसीलिए मैंने किया। मैं सोच रही हूँ आज दिन भर में कभी भी टाइम होगा या फिर कल कुछ हेयर पैक लगाऊंगी, सोच रही हूँ। हेयर पैक तो साफ बालों में ही लगाते हैं। और मैंने आज सुबह से ब्लॉग इसीलिए स्टार्ट किया कि मैं आप सबको हर रोज़ नाइट रूटीन, लंच रूटीन ऐसे दिखाती हूँ। मैंने सोचा आज मैं सुबह से ब्लॉग बनाती हूँ। सुबह से आज काम तो भर भर के है, जितना भी काम है मैं, आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए कैसे सब बनाती हूँ। मेरा हॉल से बेडरूम तक तो सब ठीक ठाक है, बट मेरा टीवी स्पेस और किचन पूरी तरह गंदा है। मेरी हाउस हेल्पर आने से पहले मुझे सब कुछ सेट करना होगा, तो तभी आएगी, वो बर्तन झाड़ू वगैरह करेंगी। तो चलिए मेरे साथ, आज मैं क्या नाश्ता बनाती हूँ, क्या करती हूँ, वो सब भी देखिएगा। उनके शॉप से जाने से पहले मुझे नाश्ता भी बनाना होगा। तो चलिए चलिए, मैं क्या क्या काम करती हूँ आप सब देखेंगे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा घर कैसे फैला पड़ा है। देखिए वहाँ पे आयरन से कपड़े आए हैं और वहाँ पे मेरा बेटा कैसे सारे उसके कपड़े फैला कर रखा है। और चलिए, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोने के लिए डाल दिया है। उसके आने से पहले मुझे ये सारे काम निपटाने होंगे। और मेरा मैंने बेडरूम पूरी अच्छी तरह से सेट कर लिया है। मेरे आज आप मुझे पूरा फुल फोकस में देख रहे हैं। वो सुबह उठकर सब्जी जाकर लाए हैं। ये सब कल के बर्तन है मैं, जो कि मैं अब तक उठाया नहीं है, कल से आज तक उठाया नहीं है मैंने। और वो कपड़े सारे आ चुके हैं, मैं उनके कपड़े और मेरे कपड़े सब समेट रही हूँ, अलग अलग कर रही हूँ। और उनके नहाने के आने से पहले मुझे उनके कपड़े उनकी जगह पे रखना होगा, वरना मेरा ये ड्रेस कहाँ है, वो कहाँ है, ये कहाँ है, वो वैसे बोलेंगे। मैं जो निकाल के दूँगी वो तो वो नहीं पहनेंगे, पर उनका सेल्फ सारे कपड़ों से भरा होना चाहिए, जो कि उनके जो मर्जी वो पहन सके। देखिए मेरा बेटा कैसे सारे कपड़े फैला कर रखा है। हमारे घर में हर किसी के लिए अलग अलग हैंगर से फिर भी सब फैला देते। वो सुबह सब्जी लाए थे, वो सब्जी वगैरह ही मैं उठा रही हूँ। मेरा एक नेचर है कि मैं सारी सब्जियाँ पहले किचन काउंटर पर रख कर सब अलग अलग करती हूँ, फिर उसे मैं एक पॉलीथीन में डालकर फ्रिज में रखती हूँ। और आज मैंने उनके लिए दो ककड़ियाँ भी निकाली है, मतलब कुकुम्बर निकाला है, उन्हें कट करके और नमक लाल मिर्च मिलाकर दूंगी, तो उन्हें वो शॉप में खाएंगे। गर्मियों के मौसम में तरबूज, कुकुम्बर सब खाना चाहिए, क्योंकि इनमें वाटर ज़्यादा होता है इसीलिए। और मैं आज नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू की करी और डोसा। मैंने डोसा बैटर पहले से प्रिपेयर करके रखा है और मैं आलू छील रही हूँ। और मैं ये सब कट कर रही हूँ, ये सब मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड में नहीं कर रही हूँ। ये नॉर्मली मेरा काटना और पीलिंग करना, मेरा हर काम मैं स्पीड से ही, चॉपिंग करना मेरा बहुत स्पीड से, मेरे बचपन से ही हैबिट है। और देखिए मैं करी कैसे बना रही हूँ, सिंपल वे में बना रही हूँ। एक कुकर में थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें सरसों थोड़ा डाला, सरसों थोड़ा चटकने के बाद उसमें ऑनियन और ग्रीन चिल्ली डाला, ऑनियन थोड़ा फ्राई होने के बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर को सिर्फ दो बार हिलाने के बाद उसमें पोटैटो डाल दिया। पोटैटोस को देखिए मैंने कैसे छोटे छोटे पीसेस में काटे। मैं आप मेरा थोड़ा प्रीवियस जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने कैसे काटा है। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मिलाकर मैं ढक दूंगी, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई करूंगी। उसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड करके वाटर दे दूंगी। उसके बाद इसे
विशिल लगा दूंगी, और विशिल लो फ्लेम में 4 से 5 विशिल आएगा और उसके बाद ये बंद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आलू के लिए 4 से 5 विशिल क्यों चाहिए, क्योंकि ये डोसे के साथ खाना होता है और इससे इसमें कुछ भी थिकनेस के लिए, अगर आलू ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो अपने आप उसमें उस करी में थिकनेस आ जाएगा। मैंने डोसे का बैटर भी प्रिपेयर कर लिया है, मैंने तो बताया था आपको, वो जब नहा कर आ जाएंगे तो बस मैं उन्हें डोसा बना कर दे दूंगी। मेरे और भी बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं, बर्तन वगैरह समेटना है और वाटर फिलअप करना है और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल गए हैं, उन्हें भी सब अलग अलग करना है, मतलब धूप में सुखाने वाले और घर के अंदर सुखाने वाले, बालकनी में सुखाने वाले कपड़े अलग करूँगी। धूप में भी अगर ब्लैक कलर के कपड़े धूप में सुखाती हूँ तो उनका रंग उड़ जाता है। तो आप मेरे साथ बनी रहिए। और हाँ, आज मैं ये खाना लंच और दोपहर दोनों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मेरा राइस भी बन चुका है और आलू की करी भी है, बस डोसे के साथ खा के लंच में भी वही करी हम खा लेंगे, क्योंकि आज मुझे मेरे बेटे का हॉलीडे होमवर्क बहुत ज़्यादा है, बैक हो गया, उसे पूरा कंप्लीट करवाना है और बहुत सारे एक दो वीडियोस भी एडिटिंग करना है और कुछ कंटेंट के बारे में सोच रही हूँ, कुछ दिमाग में आ नहीं रहा, देखते हैं। मेरे मॉर्निंग रूटीन का 90% तक काम ख़त्म हो चुका है, करे भी बन चुका है, बस वो उनके आने की देरी है, वो जब आएंगे तो बस डोसा बना के दे दूंगी उन्हें, वो भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लूँगी, उसके बाद जाके बाकी काम और जितने भी काम हैं हाउस हेल्पर आंटी आके वो कर लेगी, बस झाड़ू और बर्तन ही है, ये सब मैं निकाल रही हूँ सुखाने के लिए। और चलिए मेरा करी देखते, डोसा देखिए डोसा बन चुका है और ये रही करी, टेस्टी टेस्टी। आपने तो आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन वर्क देख लिया है, अब तो मैं नाश्ता भी वो नाश्ता करके वो जा भी चुके हैं और मेरा बेटा टीवी देखते देखते नाश्ता कर रहा है और बस मेरा ही नाश्ता करना बाकी है। देखिए डोसे और भी बन रहे हैं, और क्या कह रही थी, हाँ, और आज का अगर आपका सॉरी आपको आज का मेरा ये छोटा सा मॉर्निंग रूटीन वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और कमेंट भी कीजिए। बाय।